नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक के इस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स की, डिसमेनोरिया की, पीरियड के दौरान, मासिक के दौरान होने वाले पेन की। तमाम महिलाएं इससे परेशान रहती हैं, खासतौर से बच्चियां परेशान रहती हैं। जब उनके मासिक शुरू होता है 11, 12, 13 साल की उम्र में, तो उनके यह मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स या मासिक का दर्द उठता है और यह करीब दो से तीन साल तक रहता है। उसके बाद यह स्वतः आम तौर पे ख़त्म हो जाता है, लेकिन बहुत सी महिलाएं हैं, बहुत से बच्चे हैं जिनको ये ख़त्म नहीं होता और ये आगे भी कंटिन्यू रहता है और एक बड़ी समस्या बन जाता है। समस्या इसमें यह आती है कि जब भी आप कोई दवा खाते हैं पेन किलर, तो आपका पीरियड रुक जाता है उस वक्त। तो इससे होता क्या है कि हमारे घर के बच्चे और जिनको ये तकलीफ़ होती है, वह लोग पेन किलर भी नहीं खा पाते और दर्द में परेशान रहते हैं उन तीन चार दिनों में, महीने में, और इसका विकल्प नहीं पाते हैं। हम आपको विकल्प देते हैं इसका 10 कारगर होम्योपैथिक दवाओं के रूप में। यह दवाएं लेके आप जो आपके मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स आते हैं, जो कि आमतौर पे पीरियड के दो तीन साल तक रहते हैं, शुरुआत के दो तीन साल तक रहते हैं, फिर चले जाते हैं, लेकिन बहुत लोगों में नहीं भी जाते हैं, उनको रिलीफ देने की कारगर दवाएं। सबसे पहले साथियों जान लेते हैं कि मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स यानी डिसमेनोरिया यानी मासिक शुरू होने पर दर्द, ये होता क्या है। मेंस्ट्रुअल क्रैम्प साथियों वह स्थिति होती है जो आम तौर पे लगभग हर बच्चे को पीरियड शुरू होने पे दो साल से तीन साल तक आती है। इसमें आपकी जो यूट्रस होती है, वोम्ब होती है, बच्चे रानी होती है, उसका कॉन्ट्रैक्शंस सामान्य से ज़्यादा में हो जाते हैं। वही वक्त होता है आपके मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स का। सिम्टम्स की बात कर लेते हैं साथियों। सिम्टम्स आपके लोअर एब्डोमेन में पेन, लोअर एब्डोमेन में भारीपन, पीरियड के दौरान, मेंसेस के दौरान या उसके थोड़ा पहले से, यही जो है आपके मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स का सिम्टम्स होता है। इसके कारण की बात कर लेते हैं साथियों। मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स क्यों होते हैं? मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स तब होते हैं जब आपकी आमतौर पे क्या होता है, जब भी पीरियड का टाइम आता है उस समय आपका यूट्रस या वूम में कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक सिकुड़न आती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, और जब वह कॉन्ट्रैक्ट करती है तो सब ठीक है। लेकिन एक स्थिति कभी कभी आती है कि ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन करने लगती है। जब आपका पीरियड के दौरान या उसके पहले आपकी यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होता है, तो वह आसपास की जो ब्लड वेसल्स होती हैं उन पर प्रेशर डालता है, और वो प्रेशर डालने से खुद यूट्रस की ब्लड सप्लाई कुछ वक्त के लिए कम हो जाती है, रुक जाती है। वही स्थिति आपके ये मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स की होती है। जब आपकी ब्लड सप्लाई रुक जाती है आपके यूट्रस को ब्लड देने से, तब आपके क्रैम्प्स पैदा होते हैं, ऐठन पैदा होती, मरोड़ पैदा होती, दर्द पैदा होता है। यही मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स की स्थिति होती है। यह दो तरह का होता है साथियों, प्राइमरी डिसमेनोरिया और सेकेंडरी डिसमेनोरिया। प्राइमरी डिसमेनोरिया एक कॉमन कंडीशन होती है जो आमतौर पर बच्चों के साथ जुड़ी होती है। जब वो 12-13 साल के होते हैं उस वक्त उनके प्राइमरी डिसमेनोरिया या जो पेन होता है वो प्राइमरी डिसमेनोरिया उसको कहते हैं। सामान्य स्थिति होती है जो एक दो साल में ख़त्म हो जाती है। लेकिन एक जो उससे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स स्थिति आती है वह है सेकेंडरी डिसमेनोरिया। सेकेंडरी डिसमेनोरिया साथियों आपको उम्र में किसी पड़ाव पे हो सकता है, और यह होता है जब आपके कोई यूट्रस में कॉम्प्लेक्स दिक्कत हो, जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस हो गया, PID हो गया, इस तरह की जब दिक्कतें होती हैं जो आपके उम्र के किसी भी पड़ाव में हो सकती हैं, तो वह आपको सेकेंडरी डिसमेनोरिया कॉज करती हैं। लेकिन तकलीफ है, परेशानी है, तो उसका हल भी है। हम आपको बताएंगे साथियों डिसमेनोरिया को ठीक करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं। वो दवाएं जो आपको ये जो 5-7 दिन आपके बर्बाद जाते हैं जीवन के, एक तरह से आपको रेस्ट पे, पलंग पे लेटने पे मजबूर कर देते हैं, वह नहीं करेंगे, और आपके डिसमेनोरिया को ठीक करके आपके जीवन को सहूलियतजनक और सुविधाजनक बनाएंगे। बस रिक्वेस्ट यही है, कोई भी दवा
बिना कुशल चिकित्सक से पूछे ना लीजिएगा, क्योंकि हर दवा के अपने सिम्टम होते हैं और हर दवा की अपनी विशेषता होती है जो आप पे मैच करनी चाहिए, यही होम्योपैथी है। मिलते हैं साथियों, बताते हैं आपको होम्योपैथी में डिसमेनोरिया, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स, मासिक में के दौरान होने वाले दर्द को ठीक करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं। सबसे बड़ी बात जो है मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स में, वह यह है कि आपके पेन बहुत होता है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट दवा भी वही हुई जो आपका ये पेन रोक दे, और वह दवा होम्योपैथी में है मैगफॉस्फोरिकम, मैग्नीशियम फॉस्फोरिकम। मैगफॉस्फोस एक बहुत कारगर दवा है जो आपके पेन को रोक देती। होम्योपैथी का यह एकमात्र पेन किलर है। तो अगर आपके डिसमेनोरिया की शिकायत है, पेनफुल मेंसेस की शिकायत है, तो आप मैगफॉस्फोरिकम की चरचर गोली दिन में 4 बार लेकर इस पेन को पूरे तरह के लिए ख़त्म कर सकते हैं। यह बहुत कारगर दवा है, इसका बायोकेमिक फॉर्म बहुत काम आता है। एक स्थिति आती है, आप में से किसी को आ सकती है, हमारी किसी भी बहन को, किसी बच्चे को आ सकती है कि पीरियड रेगुलर ना होता हो, या तो पीरियड जल्दी होता हो या पीरियड बाद में होता हो, लेकिन जब भी पीरियड या इरेगुलर पीरियड होता हो तो उनको पेन होता हो, और जितना ज़्यादा फ्लो होता हो ब्लड का उतना ज़्यादा पेन होता हो। तो अगर यह कंडीशन आप में से किसी में आती है कि मोर द फ्लो मोर द पेन एंड द मेंसेस इज इरेगुलर, तो उस स्थिति में उस बच्चे को ठीक करने की, उस बड़े को ठीक करने की, उसके मेंसेस को ठीक करने की बहुत कारगर दवा है एक्टिया रेसिमोसा। आप एक्टिया रेसिमोसा 200 पावर में 2-2 बूंद 3 बार ले सकते हैं जब आपका मेंसेस इरेगुलर हो, और जो जो आपका पीरियड बढ़ता हो, फ्लो बढ़ता हो ब्लड का, त्यों त्यों आपकी तकलीफें बढ़ती हों, उस कंडीशन में एक्टिया रेसिमोसा आपकी ड्रग ऑफ द चॉइस है। फिर एक साथियों स्थिति आती है डिसमेनोरिया के केस में, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स के केस में, कि आपके हिप्स में पेन होने लगा। जब आपके हिप्स में पेन होता है, आपके लोअर बैक में पेन होता है, तो और आपके जो मेंसेस आता है, पीरियड आता है, बिल्कुल ब्राइट रेड कलर का होता है, अगर वह स्थिति होती है तो उस स्थिति में पेन को ख़त्म करने की बहुत कारगर दवा बेलडोना है। आप बेलडोना 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार उस कंडीशन में ले सकते हैं जब आपके पीरियड के दौरान बहुत पेन होता हो, आपका पीरियड ब्राइट रेड होता हो, और वह जो पेन हो वो आपके हिप्स तक एक्सटेंड करता हो, लोअर बैक और हिप्स तक एक्सटेंड करता हो, तो आप बेलडोना दवा ले लें। आप देखेंगे कि आपका पेन कम हो गया, या पेन बियरेबल हो गया, या पेन खत्म हो गया। एक कंडीशन आप में से किसी में आ सकती है कि आपका पीरियड का टाइम आया, मेंस्ट्रुअल साइकिल में मेंसेस का टाइम आया, और उस वक्त आपके उससे पहले 5-7 दिन पहले से ल्यूकोरिया की शिकायत होने लगी। तो अगर यह स्थिति हो कि पीरियड आने से 5-7 दिन पहले से ल्यूकोरिया आने लगता हो और वो लगातार आता हो, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा बोरेक्स है। आप बोरेक्स 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें, आप देखेंगे कि आपका ल्यूकोरिया भी ठीक हो गया, आपका पीरियड भी रेगुलेट हो गया, और आपका जो पेनफुल मेंसेस है वह भी खत्म हो गया। फिर एक स्थिति आ सकती है किसी में, मेंसेस के दौरान आपके क्रैम्प्स आ रहे हैं और मेंसेस के बाद आपके ल्यूकोरिया आने लगा, जब मेंसेस का फ्लो आपका रुका तो आपको ल्यूकोरिया आने लगा। अगर यह स्थिति किसी में हो, क्या सिम्टम किसी में हो, तो उस सिम्टम को ठीक करने की और मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स को ठीक करने की ऐसे मरीज में बहुत कारगर दवा है प्लैटिनम मेटालिकम। प्लैटिना, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में प्लैटिना कहते हैं, प्लैटिना 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप ले सकती हैं। यह दवा आपके पीरियड के बाद होने वाले जो ल्यूकोरिया की शिकायत है और इस सिम्टम में जो होने वाले पेट में दर्द की शिकायत है, उसको ख़त्म करने में बहुत सहायक होगी। एक स्थिति आती है साथियों कि आपके डिसमेनोरिया है और आपके एब्डोमेन में पेन हो रहा है, पेट के निचले हिस्से में पेन हो रहा है, तो अगर यह स्थिति आपके है कि आपके पीरियड का टाइम आया और आपके लोअर एब्डोमेन में पेन होने लगा, तो उसको ठीक करने की बहुत कारगर दवा काली कार्बोनिकम है।
आप काली कार्ब 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार उस स्थिति में ले सकते हैं जब आपके लोअर एब्डोमेन में पेन होता हो पीरियड के दौरान और आपके एसिडिटी की शिकायत बनी रहती हो। उन स्थितियों में आपकी ड्रग ऑफ द चॉइस डिस्मेनोरिया के लिए काली कार्ब है। एक स्थिति आपके सामने डिस्मेनोरिया में आ सकती है कि जब आपके पीरियड का टाइम आता हो मेंसेस का टाइम आता हो तो आपके लोअर एब्डोमेन में पेन बहुत होता हो साथ में आपके इचिंग होती हो। तो अगर यह कंडीशन हो कि आपको लोअर एब्डोमेन में पेन होता है पीरियड के दौरान और आपको वजाइना में इचिंग होती है प्रूराइटिस होती है तो उसको ठीक करने की भी होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है, वह दवा जो आपको इस दिक्कत से निकाल देगी और दवा का नाम है ऊफोरिनम। ऊफोरिनम आप 3x पावर में एक एक टैबलेट दिन में तीन बार ले लें। आप देखेंगे कि पीरियड के दौरान होने वाली आपकी इचिंग और पीरियड के दौरान होने वाला आपके पेन दर्द दोनों चीज खत्म हो गई और आपके मेंस्ट्रुअल क्रैम्प पूरी तरह खत्म होके आप अपने को सहज महसूस करने लगी। एक साथियों स्थिति आती है, एक कंडीशन आ सकती है आप में कि आपके बहुत ज़्यादा क्रैम्पी पेन हो रहा हो, पेट के एब्डोमेन में निचले हिस्से में दर्द हो रहा हो और जब जो आपके पेन हो वो आपके थाइज यानी जांघों तक एक्सटेंड कर रहा हो। अगर यह स्थिति हो साथियों तो इसको ठीक करने की बहुत कारगर दवा विबुरम ओपुलस है। विबुरम 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार आप उस कंडीशन में ले सकते हैं जब आपके लोअर एब्डोमेन में बहुत ज़्यादा पेन हो, वह पेन आपके थाइस तक जा रहा हो, आपका पीरियड बहुत स्कैंटी हो, कुछ घंटे के लिए होता हो, केवल बहुत कम पीरियड होता हो और वह कुछ घंटे के लिए होता हो। अगर यह सिम्टम आप में है तो आपका ड्रग ऑफ द चॉइस विबुरम ओपुलस है। एक कंडीशन और आती है, कुछ मरीजों को हम देखते हैं जिनमें यह कंडीशन दिखती है कि मेंसेस के दौरान पीरियड के दौरान उनके पित्ती उछलने लगी और उनको डिस्मेनोरिया हो गया, पेन हो गया पीरियड के दौरान। अगर यह कंडीशन हो कि आपको डिस्मेनोरिया हो और उस दौरान मेंसेस के दौरान आपको पित्ती उछलने लगती हो, अर्टिकेरिया होने लगता हो, छपाकी की दिक्कत होने लगती हो तो उसको ठीक करने की, अर्टिकेरिया को ठीक करने की और पीरियड के दौरान ही आपको तकलीफ को सही करने की, डिस्मेनोरिया को ठीक करने की बहुत कारगर दवा है कोनियम मैक्यूलेटम। कोनियम मैक 1 mg पावर की 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर आप ले सकती हैं। आप देखेंगे यह दवा आपके अर्टिकेरिया को भी ठीक करेगी और आपके पेनफुल मेंसेस को भी खत्म करेगी। एक कंडीशन आती है साथियों कि आपके डिस्मेनोरिया की शिकायत है, पेनफुल मेंसेस की शिकायत है और यह शिकायत आपके मेंसेस के पीरियड के शुरुआत में होती हो। जब आपके पीरियड ठीक ठाक होने लगता हो, फ्लो ब्लड का हो इस्टेब्लिश हो जाता हो तो यह दर्द खत्म हो जाता हो। अगर यह कंडीशन आप में है साथियों तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा लेकासिस म्यूटा है। आप लेकासिस म्यूटा 1 mg पावर में 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर वीकली उस कंडीशन में ले सकती हैं जब आपके पीरियड के दौरान पेन हो, वह पेन पीरियड के शुरू में ज़्यादा होता हो लेकिन जब पीरियड का फ्लो इस्टेब्लिश हो जाता हो तो पेन कम हो जाता हो, लेकिन कुल मिला के आपका पीरियड स्कैंटी होता हो। तो अगर इस तरह का आप में सिम्टम है कि आपके पीरियड के शुरुआत में पेन होता है और बाद में ठीक हो जाता है तो आपका ड्रग ऑफ द चॉइस लेकासिस है। आप लेकासिस 1 mg की 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर वीकली ले सकती हैं। लेकासिस के मरीज का एक और ख़ास बात होती है, वह अपने पेट के अराउंड उसको कपड़ा बांधने में बहुत दिक्कत होती, वो नहीं बांध सकता, उसको उससे एलर्जी उलझन और दर्द होता है। यह भी एक सिम्टम है जो बड़ा पिक्यूलियर है। लेकासिस की तकलीफें रात के वक्त सोने के बाद बढ़ती हैं। तो अगर आप यह सिम्टम अपने में देखते हैं तो आपकी ड्रग ऑफ द चॉइस लेकासिस है। एक स्थिति आप सबके सामने एक सिम्टम आ सकता है कि जब आपके मेंसेस का टाइम आता हो तो आपके ब्रेस्ट में हैवीनेस आ जाती हो, ब्रेस्ट में थोड़ा भारीपन आ जाता हो और आपके पीरियड 2-3 दिन पहले आ जाता हो और पेन शुरू हो जाता हो और आपको हाइपोथायरॉइडिज्म यानी थायराइड की दिक्कत हो। तो अगर यह सिम्टम आप में है कि आपको पिट्यूटरी की कोई ग्लैंड की दिक्कत है, हाइपोथायरॉइडिज्म है, आपके ब्रेस्ट में हैवीनेस आ जाती है पीरियड के दौरान और आपको डिस्मेनोरिया यानी
मासिक के दौरान बहुत तेज दर्द पेट के निचले हिस्से में उठता है क्रैम्प्स के रूप में, तो उसको ठीक करने की बहुत कारगर दवा है कैल्केरिया कार्बोनिकम। कैल्केरिया कार 30 दो दो बूंद दिन में 3 बार आप उस कंडीशन में ले सकती हैं जब आपके पेनफुल पीरियड आता हो, मेंसेस आता हो, आपके ब्रेस्ट में हेवीनेस आ जाती हो और आपको सर से पसीना बहुत आता हो और आप थोड़ी फेयर फैट एंड फ्लैबी हो और आफ्टर डिलीवरी आफ्टर पैचुरेशन बच्चा होने के बाद यह तकलीफें बढ़ती हों, तो अगर यह सिम्टम्स आप में हैं तो यह कैल्केरिया कार बहुत अच्छी दवा है जो आपके किसी भी पीरियड के डिरेंजमेंट को रेगुलेट करके आपको बिल्कुल सामान्य स्थिति में ला देगी। यह उस बात का जवाब भी है जब आप कहते हैं कि शुरू में तो जब मैं प्यूबर्टी से अटेन हुई तब से तो मुझे कभी पेन नहीं हुआ, लेकिन अब जब मेरी डिलीवरी हुई, बच्चा हुआ, इसके बाद मेरी तकलीफें बढ़ गई, मुझे पीरियड के दौरान पेन होने लगा, तो उसका जवाब कैल्केरिया कार है आपको सही करने के रूप में, यह दवा आपको ठीक करने में आपकी मदद करेगी। फिर एक स्थिति आती है साथियों कि आपके डायरिया हो गया और डायरिया उस स्थिति में हमेशा हो जाता है जब आपके पीरियड का वक्त आता है, तो अगर मेंसेस के पीरियड के दौरान आपके डायरिया हो जाता हो तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा काली कार्बोनिकम है। आप काली कार्ब 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा आपके पीरियड के दौरान होने वाले डायरिया को भी ख़त्म करेगी, आपकी जलन या एसिडिटी को भी ख़त्म करेगी और यह अगर आपके PID जो कि आम तौर पे इस तरह के केसेस में होता है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ और ओवेरियन सिस्ट, उनकी भी काली कार्ब ठीक करने की बहुत कारगर दवा है। एक स्थिति आप में से किसी को आ सकती है कि आपके डिसमेनोरिया यानी कि पीरियड के दौरान पेन इतना ज़्यादा होता हो और आपके पाइल्स हो जाता हो, तो अगर यह स्थिति आप में हो, डिसमेनोरिया के दौरान आपको पाइल्स महसूस करने लगता हो यानी बवासीर महसूस होने लगता हो, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है कोलिनसोनिया। आप कोलिनसोनिया 30 दो दो बूंद दिन में 3 बार ले लें, यह आपके डिसमेनोरिया को भी ख़त्म करेगी और आपके पीरियड के सिस्टम को भी पूरी तरह रेगुलेट करेगी और आपके पाइल्स को भी ठीक करने में बहुत मदद करेगी। एक स्थिति आती है पीरियड में कि आपके पेनफुल पीरियड हो रहा है और पीरियड ऐसा है कि पूरे 15 दिन कभी आता है कभी रुकता है, इंटरमिटेंट, रुक रुक के हो रहा, आया सही हुआ फिर होने लगा, आया सही हुआ फिर होने लगा, तो आप इसके इस पीरियड की इरेगुलरिटी को ठीक करने की और पीरियड के दौरान होने वाले दर्द को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है गन पाउडर। आप गन पाउडर 3x पावर में 2-2 गोली दिन में 4 बार ले लें, आप देखेंगे कि आपका यह जो रुक रुक के इंटरमिटेंट आने वाला पीरियड है कि महीने में 20 दिन पीरियड बना हुआ है और आपको भी नहीं पता वो कब आ जाएगा, कब रुक जाएगा, कब फिर आ जाएगा, तो गन पाउडर 3x आपके पीरियड को भी रेगुलेट करके ठीक करेगा और आपके डिसमेनोरिया को भी ख़त्म करेगा। फिर साथियों जो एक बड़ी कॉमन स्टेज होती है प्राइमरी डिसमेनोरिया की, बच्चे की प्यूबर्टी की एज जब बच्ची अटेन करती है उस समय उसके बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो अगर यह स्थिति आपके है कि आपके घर में किसी बच्चे का पीरियड की शुरुआत हुई है अभी और उसके बहुत पेन होता है, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में दवा पल्सेटिला पर्टुसिस है। पल्सेटिला 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप उस कंडीशन में मरीज को दे सकते हैं जब बच्ची का अभी प्यूबर्टी की शुरुआत होकर पीरियड शुरू हुआ हो, उसमें उसको बहुत पेन हो रहा हो, उसका पीरियड बहुत स्कैंटी आ रहा हो, बहुत कम आ रहा हो, उसको प्यास बिल्कुल ना लगती हो और उसको खुली हवा ज़्यादा अच्छी लगती हो, अगर यह सब कंडीशंस हैं तो पल्सेटिला उस बच्चे की दवा है जो अभी अभी प्यूबर्टी जिसने अटेन करी है और उसके पीरियड की शुरुआत हुई है और उसको रुलाने वाला दर्द पीरियड के दौरान लोअर एब्डोमेन में हो रहा है, तो पल्सेटिला आपके रेस्क्यू के लिए आएगी और आपको ठीक करेगी। फिर साथियों एक कंडीशन आती है किसी किसी को होती है सेकेंडरी डिसमेनोरिया की कंडीशन है यानी उम्र के बाद के पड़ाव में किसी के क्रैम्प्स आ रहे हैं, पेन आ रहा है पीरियड में, तो उस कंडीशन में दवा है जब आपको लगे कि आपका यूट्रस जो बच्चेदानी है वो बाहर आ जाएगी, पीरियड का टाइम है और उस पीरियड के टाइम पे आपको लगे कि आपके बच्चेदानी यानी यूट्रस बाहर आ जाएगी, उसका प्रोलैप्स हो जाएगा,
अगर यह सेंसेशन आप में आता है तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा सीपिया है। सीपिया ऑफ एलिस 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार आप ले सकती हैं। यह दवा आपकी जो बियरिंग डाउन सेंसेशन ऑफ द यूट्रस होता है उस सिम्टम को भी ख़त्म करेगी, आपके पीरियड के दौरान होने वाले कॉन्स्टिपेशन को भी ख़त्म करेगी और आपके पेन यानी डिसमेनोरिया यानी मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स को भी ख़त्म करेगी। एक स्थिति आती है साथियों डिसमेनोरिया के केस में कि आपको जब मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स आपके आते हैं तो उस वक्त आपके बहुत कब्जियत हो जाती है और कब्जियत के बाद जब आप स्टूल पास करते हैं मोशन करते हैं तो आपको दर्द में आराम मिल जाता है। तो अगर यह स्थिति हो कि आपके डिसमेनोरिया हो रहा हो मेंसेस के दौरान आपको जो है वह कॉन्स्टिपेशन हो रहा हो और लेकिन जब आप स्टूल थोड़ा थोड़ा जो कि थोड़ा थोड़ा करके पास होता है स्कैंटी होता है वह स्टूल हो जाता हो और जब भी स्टूल पास हो जाता हो तो आपको पीरियड के दर्द में आराम मिल जाता हो तो उस स्थिति में नक्सफोमिका आपकी ड्रग ऑफ द चॉइस है। इसकी दो दो बूंद दिन में तीन बार लेके आप लाभ प्राप्त करके अपने को ठीक कर सकते हैं। एक स्थिति आती है साथियों कि आपको डिसमेनोरिया की शिकायत हो मेंसेस में पेन की शिकायत हो और आप अनिमिक हो, आप में खून की बहुत कमी हो, बहुत थोड़ा पीरियड आपके होता हो लेकिन जब भी पीरियड का वक्त आता हो तो आपके बहुत पेन होता हो, तो अगर यह स्थिति साथियों हो तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है फेरम फॉस्फोरिकम। आप फेरम फॉस 6x पावर में चार गोली सुबह चार गोली शाम उस कंडीशन में ले सकती हैं जब आप अनिमिक हो यानी आप में खून की बहुत कमी हो और जब आपके पीरियड का वक्त आता हो तो आपके एब्डोमेन में बहुत पेन होता हो। फेरम फास्ट नाम की यह दवा आपके खून की कमी को भी दूर कर देगी, अनीमिया को भी ख़त्म कर देगी और आपके जो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स हैं पीरियड के दौरान होने वाले उनको भी ख़त्म कर देगी। एक स्थिति आती है साथियों पीरियड के दौरान कि आपको पीरियड आता हो उस समय आपको बहुत कमजोरी आ जाती है, इतनी कमजोरी कि आप लेटने पर मजबूर हो जाते हो, आपके पीरियड बहुत ज़्यादा होता हो, बड़े बड़े क्लॉट्स के फॉर्म में होता हो और आपको लेटने पे मजबूर कर दे, अगर यह स्थिति आप में है तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है सिंकोना ऑफिसनेलिस। सिंकोना ऑफिसनेलिस यानी चाइना 200 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार आप उस कंडीशन में ले सकती हैं जब आपको बहुत ज़्यादा ब्लडी डिस्चार्ज होता हो, बड़े बड़े क्लॉट्स के फॉर्म में होता हो और पीरियड के दौरान आपको बहुत कमजोरी आ जाती हो तो चाइना आपको ताकत भी देगी, आपके पीरियड को भी रेगुलेट करेगी और पीरियड के दौरान होने वाले दर्द को भी ख़त्म करेगी। एक स्थिति आप में से किसी को पीरियड के दौरान आ सकती है मेंसेस के दौरान आ सकती है कि वो इतना ज़्यादा पेनफुल हो जाए कि बेहोश करने की स्थिति ला दे, अगर इतना ज़्यादा पेन पीरियड में है तो उसको ठीक करने की भी होम्योपैथी में दवा है और दवा का नाम है लेपिस एल्बस। लेपिस एल्बा 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार आप उस कंडीशन में ले सकती हैं जब आपके बहुत ज़्यादा पेन हो, उतना पेन जो आपको अनकॉन्शियस कर दे, बेहोशी की हालत में ला दे और वह पेन आपके ये जो शोल्डर ब्लेड होते हैं, शोल्डर होते हैं जो कंधे होते हैं इसकी जो हड्डी होती है इसके बीच में दोनों हड्डियों के बीच में आपको पेन महसूस हो, अगर यह पिक्यूलियर सिम्टम आप में है तो आपको ठीक करने की होम्योपैथी में आपके डिसमेनोरिया को ठीक करने की होम्योपैथी में कारगर दवा लेपिस एल्बा है। एक स्थिति आ सकती है किसी को आप में से कि पीरियड के दौरान उकाई बहुत आती हो, खाना देख के भी आपको उल्टी महसूस होने लगती हो जिसको कि नौजिया कहते हैं, तो अगर यह नौजियाटिक कंडीशन हो, खाना देख के आपको उल्टी महसूस होती हो पीरियड के टाइम मेंसेस के दौरान और आपके पेन हो तो आपकी वॉमिटिंग को ठीक करने की, आपकी वॉमिटिंग की टेंडेंसी को ठीक करने की, आपको मेंसेस के दौरान होने वाले पेन को ठीक करने की बहुत अच्छी दवा इपिका है। आप इपिका 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार ले सकती हैं जब आपको खाना देख के वॉमिटिंग आती हो या वॉमिटिंग हो जाती हो और आपके ज़बरदस्त नौजिया हो तो इपिका आपकी ड्रग ऑफ द चॉइस है। यह दवा आपके मेंस्ट्रुअल क्रैम्प को भी ठीक कर देगी और आपके नौजिया को भी ख़त्म कर देगी। फिर साथियों एक स्थिति आ सकती है आप में से किसी में कि आपको पीरियड का टाइम है, मेंस्ट्रुएशन का टाइम है, आपके बहुत पेन होता हो और आपके पीरियड इरेगुलर होते हैं और जो ये पेन होता हो या पूरे शरीर में होता हो
तो अगर यह सिम्टम आप में है कि जो पेन हो रहा है आपके मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स तो आ ही रहे हैं लेकिन उस वक्त आपके पूरे शरीर में पेन होने लगा, तो उस पेन को ठीक करने की और मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स को रेगुलेट करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है। और दवा का नाम है लोबेलिया इन्फ्लेटा। आप लोबेलिया 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार ले लें, आप देखेंगे कि आपका पीरियड भी रेगुलेट हो गया और आपके पूरे शरीर में पीरियड के कारण होने वाला दर्द वह भी खत्म हो गया। फिर साथियों एक स्थिति आ सकती है आप में से किसी को कि आपके जब पीरियड का वक्त आया तो आपके बहुत ज़्यादा पेनफुल पीरियड हुआ और आपको वॉमिटिंग भी होने लगी और डायरिया भी आपको होने लगा। तो अगर आपको वॉमिटिंग भी हो और आपको डायरिया भी हो तो उस कंडीशन में आपको ठीक करने की बहुत कारगर दवा है वेरेट्रम एल्बम। आप वेरेट्रम एल्बम 30 पावर में दो दो बूंद ले सकती हैं तब जब आपको पीरियड के दौरान मेंसेस के दौरान डायरिया भी हो जाता हो और मेंसेस के दौरान वॉमिटिंग भी आती हो और जो आपका मेंसेस हो बहुत पेनफुल हो, तो इन तीनों कंडीशन में यानी डायरिया वॉमिटिंग और पेनफुल मेंसेस इन तीनों कंडीशन में एक साथ यह दवा काम करके आपको इस समस्या से बाहर निकाल लेगी। एक स्थिति आती है कि आप में से किसी को मेंसेस आता हो और उस समय आपको यूरिनेशन बहुत लगता हो और आप पेशाब जाने से अपने को रोक ना पाते हो या पेशाब को ना रोक पाते हो, तो अगर यह कंडीशन आप में है कि आपके मेंसेस का वक्त है और मेंसेस के वक्त आपको यूरिनेशन बहुत ज़्यादा लग रहा है, यूरिन पास करने की अर्ज बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उस स्थिति से निपटने के लिए आपके यूरिन की अर्ज को कंट्रोल करने के लिए होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है एसिडम नाइट्रिकम। आप एसिड नाइट्रिक 200 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन 200 पावर में दो दो बूंद वीकली ले लें। अगर आपके यह फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की ड्यूरिंग मेंसेस शिकायत है, यह दवा आपके इस सिम्टम को ठीक करके आपके पेनफुल मेंसेस को भी ठीक करने में सहायक होगी। एक स्थिति आप में से किसी को आ सकती है जब आपके मेंसेस हो रहा हो, पीरियड का वक्त हो और उस समय आपको लिकोरिया का भी डिस्चार्ज हो रहा हो, साथ में जो आपके मेंसेस हो बड़ा ऑफेंसिव हो रहा हो और आपके बहुत पेन हो रहा हो और आपके अम्बिलिकस यानी नेवल में पेन हो रहा हो, तो अगर यह पिक्यूलर सिम्टम है कि आपके नेवल में पेन हो रहा है, अम्बिलिकस में पेन हो रहा है, नाभि में पेन हो रहा है पीरियड के दौरान और आपको साथ में ल्यूकोरिया की शिकायत है, तो उस कंडीशन को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा क्रियोजोटम है। क्रियोजोट 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार आप उस कंडीशन में ले सकते हैं कि जब आपके पेनफुल मेंसेस हो, पीरियड बहुत जल्दी आता हो, कुछ दिन रहता हो, आपके साथ में ल्यूकोरिया की शिकायत हो, आपका जो पीरियड आता हो उसमें बहुत ऑफेंसिव स्मेलिंग हो, तो आपकी ड्रग ऑफ द चॉइस क्रियोजोट है। आप क्रियोजोट 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार लेकर इन 5-6 सिम्टम जो हमने आपको बताए इन सब से निजात पाके अपने डिस्मेनोरिया और पीरियड डिस्मेनोरिया को ठीक कर सकते हैं और पीरियड को रेगुलेट कर सकते हैं। एक कंडीशन होती है आप में डिस्मेनोरिया के पेन की कि आपका यूट्रस का साइज बढ़ गया। थोड़े जो उम्र के लोग होते हैं, महिलाएं होती हैं, उनमें यह कॉमन तकलीफ होती है। तो अगर आपके यूट्रस का साइज थोड़ा बढ़ गया, जो कि आपको सोनोग्राफी अल्ट्रासाउंड में आ जाएगा आपके सामने, तो आपके यूट्रस को ठीक करने की होम्योपैथी में और आपके पेन को डिस्मेनोरिया को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा कार्बो एनिमेलिस है। आप कार्बो एनिमेलिस 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार उस कंडीशन में ले सकती हैं जब आपके सोनोग्राफी अल्ट्रासाउंड दिखा रहा हो कि आपका यूट्रस का साइज एनलार्ज हो गया, बढ़ गया और आपके बहुत पेनफुल पीरियड आता हो, तो आप इस दवा को लें लेपिसेल्बा को। इससे आपका पीरियड भी रेगुलेट होगा और आपकी यूट्रस की टोनोसिटी भी बहाल हो जाएगी। फिर एक स्थिति आती है जब आपके पीरियड की शिकायत हो और मेंसेस की शिकायत में आपको जो है ब्लडी डिस्चार्ज तो हो ही रहा है, साथ में आपकी नोज आईज या इस तरह का ब्लडी डिस्चार्ज होने लगा, तो अगर यह दिक्कत हो कि आपके मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स आते हों और आपको पेनफुल मेंसेस के साथ आपके नोज या आईज से भी ब्लडी डिस्चार्ज होने लगा हो, तो उस ब्लडी डिस्चार्ज को रोकने की आपके मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स को ख़त्म करने की बहुत कारगर दवा है अर्जेंटम नाइट्रिकम।
आप आर्जेंटम नाइट्रिकम 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार ले सकती हैं। यह दवा आपके मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स को ख़त्म करेगी, आपके नेसल नाक से होने वाले निकलने वाले खून को ठीक करेगी और आपको सहजता प्रदान करेगी। ये कुछ दवाएं थी आपके लिए डिसमेनोरिया को लेके, उस दिक्कत के लिए जो चाहते हुए भी आपको, न चाहते हुए भी आपको हर हफ्ते हर महीने फेस करनी पड़ती है, लेकिन यह दवाएं आपको इस समस्या से निकालेंगी। थोड़ा सा लंबा वीडियो है लेकिन कारगर है, क्योंकि हमें सिम्टम पे बात करनी है। होम्योपैथी सिम्टम की पैथी होती है। दवाएं बहुत कारगर हैं, लेकिन कोई भी दवा बिना डॉक्टर से पूछे प्रिस्क्राइब कराए ना लीजिएगा, क्योंकि हर व्यक्ति पे हर दवा का असर भिन्न होता है, डिफरेंट होता है। लेकिन आपके मन में यह वीडियो क्लिक करने पे जो भी सवाल उठे हों, मैं समझता हूँ उस वीडियो में आपको जवाब उसका मिल गया होगा। अगर आपके मन में कोई क्वेरी हो तो आप नीचे नोटिफिकेशन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी क्वेरी को व्हाट्सएप कर सकते हैं, या यूट्यूब चैनल के नीचे आप नोटिफिकेशन पैनल में अपनी क्वेरी लिख सकते हैं। आपको संतोषजनक जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। अगर साथियों आपको अपनी इस समस्या के कुछ जवाब इस वीडियो के माध्यम से मिले हों, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करके हमारा सबसे नया वीडियो सबसे पहले प्राप्त करते रहिएगा। आपका साथियों इतनी देर इस चैनल के साथ, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के साथ और डॉक्टर उमंग खन्ना के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।